हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, ये आप लोगों के NCERT के जो नोट्स हैं उन पर आधारित इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं। इसमें आपके एक तो साइंस से संबंधित टॉपिक हैं और दूसरे EBS से संबंधित क्लासेस हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में आपको साइंस की तैयारी कराई जा रही है और EBS की तैयारी सभी NCERT के क्लास 7th और 8th की बुक से तैयार किए गए इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। तो जो लोग पर्यावरण की तैयारी कर रहे हों और विज्ञान की यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी के लिए ही इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं। एक एक चैप्टर वाइज करके हम लोग आपको एक एक चीज़ कवर करा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। आज की क्लास में हम लोग तीसरा और चौथा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अगर हो गया तो 5वां चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। आप लोग अच्छे से एक एक चीज़ को समझते रहिए, तैयार करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। क्या है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले पेपर्स को मैंने सॉल्व कराया था, उसमें भी कराया था। तो संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? जो मानव निर्मित रेशे होते हैं यानी कि मानव जिन रेशों का निर्माण करते हैं, प्राकृतिक ना होकर कृत्रिम रेशे जो होते हैं, ये आपके संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब क्या है? ये एक प्रकार के संश्लेषित रेशे होते हैं। अगला पॉइंट है आपका, प्रकृति से जो रेशे में प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं? वो प्राकृतिक रेशे होते हैं। और जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें कृत्रिम या फिर संश्लेषित रेशे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक में कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सब कैसे होते हैं? ये सब हमें प्रकृति से ही तो प्राप्त होते हैं, हम तो इसमें कुछ करते नहीं हैं, तो यानी कि प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, बहुलक अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाता है। बहुलक को पॉलीमर कहा जाता है। बहुलक क्या होता है? जब कई छोटी छोटी इकाइयां मिलती हैं, बहुत सी छोटी छोटी इकाइयां, और उनसे कोई बड़ी एक इकाई बनती है, वो आपकी बहुलक कहलाती है। इसे पॉलीमर कहा जाता है, याद कर लीजिए आप लोग। छोटे छोटे सभी पॉइंट दिए गए हैं, बस आपको मेरी बात को अच्छे से सुनते रहना, तभी आपको याद हो जाएंगे। जब आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो आप सही ऑप्शन को अपने आप टिक कर देंगे। अगला पॉइंट है, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। जैसे कपास एक बहुलक है जो सेल्युलोज कहलाता है। सेल्युलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। बहुलक क्या है? बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। कौन से बहुलक हैं? जैसे कपास क्या है? कपास एक बहुलक होता है जो सेल्युलोज कहलाता है, और सेल्युलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए कपास क्या है। कपास एक प्रकार का बहुलक है जो सेल्युलोज के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, नायलॉन, ये क्या कृत्रिम रेशा बताया था? तो ये मानव निर्मित प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। कैसा था? मानव के द्वारा निर्मित किया गया प्रथम संश्लेषित रेशा जो प्रबल प्रयास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। तो ये कैसा था? चमकीला था और धुलने में सुगम होता है, अतः यह कपड़ों के लिए निर्माण में अत्यधिक प्रचलित था। तो ये कपड़ों के निर्माण में, कपड़े बनाने में बहुत ही प्रचलित रेशा रहा है। यह बहुत प्रबल होता है, इसलिए इसका प्रयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने में भी किया जाता है, यानी कि बहुत ही मजबूत होता है। तो इसका प्रयोग पैराशूट और जो चट्टानों पर चढ़ने के लिए पर्वतारोही होते हैं वो लोग भी करते हैं। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। देख लीजिए आप लोग कितना ज़्यादा प्रबल होता, कितना ज़्यादा मजबूत होता है। इस्पात यानी कि लोहे के तार से भी अधिक मजबूत होता है। अगला दोस्तों, रेयान, इस प्रकार का रेशा जो है ये काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। किससे? काष्ठ लुगदी जो होती है इसके रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है, और इसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। संश्लेषित हो गया। अब ये कृत्रिम रेशा क्या है? रेयान जो है ये कृत्रिम रेशे के अंतर्गत आता है। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है, लेकिन यह मानव निर्मित होता है, इसलिए इसे कृत्रिम रेशों की श्रेणी में कहा रखा जाता है। काष्ठ लुगदी क्या होता है? यह प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन रेशा जो बनाया है मानव ने ही तो बनाया है, तो यानी कि कृत्रिम रेशे के अंतर्गत आएगा। अगला, टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। यह एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इनके नाम जरूर याद करते रहिए। ऊपर नायलॉन बताया था, अभी इसका रेयॉन बताया, और ये टेरिलीन, ये भी एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, और ये कैसा है? अन्य संश्लेषित रेशा है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं जो ऊन से निर्मित नहीं होता है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सभी स्वेटर ऊन से बने हों, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं जो एक्रेलिक होते हैं, यानी कि इन्हें क्या कहते हैं?
शैली कहा जाता है, जो कि ऊन से नहीं बने होते हैं लेकिन ऊन के जैसे ही दिखाई देते हैं, तो इसे क्या एक्रेलिक कहा जाता है। अगला, संश्लेषित रेशों से क्या हानि होती है, तो दोस्तों ये गर्म होने पर पिघलने लगते हैं, यानी कि गर्म जब हो जाते हैं तो ये पिघलने लगते हैं, जिससे कि ये व्यक्ति के शरीर में चिपक जाते हैं। जितने भी आपने संश्लेषित रेशे देखे होंगे, जैसे जो आपकी साड़ी वगैरह होती है और जो चिकने कपड़े होते हैं, वो ज़्यादातर संश्लेषित रेशे से ही होते हैं, और ये आग लगने पर ये शरीर में चिपक जाते हैं, गर्म होने पर चिपकने लगते हैं। इसलिए इसे प्रयोगशाला व रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसलिए हम लोग जो हैं प्रयोगशाला में, रसोई घर में इस प्रकार के वस्त्रों से बचें, क्योंकि ये उतने ज़्यादा लाभदायक नहीं होते और हानि पहुंचा देते हैं। अगला, संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त हुए होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधे व पशुओं से प्राप्त होते हैं। यानी कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं, ये कुछ रसायन होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, और प्राकृतिक रेशों के द्वारा कृत्रिम क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, और प्राकृतिक रेशे जो होते हैं ये पशुओं और पौधों से प्राप्त होते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार आपको मैं बता चुका हूँ। रेशम जो होता है किससे प्राप्त होता है और वो किस वृक्ष पर प्राप्त होता है, रेशम कीट कहाँ पर रहते हैं, इसका आंसर अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले भी मैं आपको ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ, जब मैंने 3rd, 4th, 5th की NCERT की बुक कम्प्लीट कराई थी, तो उनको अच्छे से देखिएगा, तैयार करिएगा अगर कोई भी डाउट हो, और अगर पिछली क्लासेस को ना देखा हो तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप उन सबको देख सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आपको ऊपर लिंक दिए रहते हैं, वहां से आप उन क्लासेस को अच्छे से देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट आपका है प्लास्टिक जो है, यह क्या है, यह भी एक बहुलक होता है। प्लास्टिक या तो एक बहुलक होता है, और यह कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। थर्मोप्लास्टिक होती है पहली, यह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है, सरलतापूर्वक मुड़ जाती है, यानी कि ऐसी प्लास्टिक जो कि एकदम मुलायम होती है और यह गर्म करने पर अपने रूप में बदल जाती है, विकृत हो जाती है, और किसी भी रूप में हम इसे सरलतापूर्वक मोड़ सकते हैं। जैसे पॉलीथीन हो गया, PVC हो गया, कैसी हो गई, ये सॉफ्ट प्लास्टिक भी से कहते हैं। अगली होती थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये क्या होती है, जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, यानी कि ये एक ऐसी प्लास्टिक होती जिसे एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो दोबारा गर्म करके हम इसे नहीं बना सकते और ये बेकार हो जाती, एक बार ही यूज में इसे ला सकते हैं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती, वो थर्मोप्लास्टिक थी, नाम याद रखिएगा। और इससे क्या वैकेलाइट हो गया और मेलामाइन हो गया, ये इसके उदाहरण के अंतर्गत आता है। उसका क्या था, पॉलीथीन और PVC था। अगला पॉइंट है वैकेलाइट जो होती है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, यह बिजली के स्विच, बर्तनों के हल्के हत्ते आदि के काम में लाया जाता है। आपने देखा होगा कुकर उकर में ऊपर ब्लैक कलर का हत्ता लगा होता है, तो ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इन्हें इस प्रकार का बनाया जाता है कि ऊष्मा इनमें दोबारा नहीं पहुँच सकती है, और एक बार यूज में लाने के बाद ये बेकार हो जाते हैं, अगर ये टूट जाते हैं सही भी नहीं किए जा सकते हैं, तो ये वैकेलाइट कहलाता है। अगला, मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है दोस्तों, मेलामाइन एक बहु उपयोगी पदार्थ है, यह आग का प्रतिरोधक होता है, आग का प्रतिरोधक, आग इसमें नहीं लगती और प्लास्टिक के अपेक्षा अधिक ऊष्मा सहने की क्षमता होती है, यानी कि अधिक ऊष्मा भी सह सकता है और आग का प्रतिरोधक होता है। मेलामाइन प्लास्टिक का प्रकार आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान में प्रयोग किया जाता है और उसे अग्निरोधक बनाती है। तो समझ गए आप लोग, जो अग्निरोधक, जो अग्निशमक यंत्र वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनका जो परिधान आपने देखा होगा वो एक तरीके का रबड़ का बना हुआ होता है, तो वो जो होता है वो आग से, आग का रोधक होता है, और वो मेलामाइन का ही बना हुआ होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मेलामाइन से क्या बनाया जाता है, तो ये कर्मचारियों के परिधान बनाए जाते हैं। अगला, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है 4R, और इस समय काफ़ी प्रचलन में चल रहा है। तो 4R सिद्धांत का मतलब है 4 अलग अलग R हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, रिड्यूस प्लास्टिक को रिड्यूस करना चाहिए, और ऐसी सभी चीज़ों को रिसाइकिल करना चाहिए जो रिसाइकिल हो सकती हैं, यानी बार बार यूज किया जा सकता, तो नई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। रीयूज, बार बार यूज करना, रिसाइकिल का मतलब होता है एक बार यूज करके अगर वो चीज़ किसी अन्य यूज में लाई जा सकती, उसे अन्य यूज में ला सकें, और रिकवर, अगर हम रिकवर कर सकते हैं, तो ये 4R हैं, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज और रिकवर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया।
अब अगला चैप्टर है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पेपर टू के लिए, ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। पेपर वन में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता, पिछली बार इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय लगेगा, देखते रहिए, तैयार कर लीजिए। तो क्या है पदार्थ धातु व अधातु, यानी कि इस क्लास में लोग पदार्थ धातुएँ और अधातुएँ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। धातु अधातु दोनों पदार्थ के ही रूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। धातुओं कैसी चमकीली होती है, इनमें चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती है। सामान्यतः धातु जो होती है अघात वर्धनीय होती है और अधातुएँ ऐसी नहीं होती हैं। धातु कैसी आघात, यानी कि आघात को वर्धनी, यानी कि किसी प्रकार की चोट को सहन कर सकती हैं, और अधातुएँ जी होती हैं वो ऐसी नहीं होती हैं। और वर्धनी और तन्य होती है, यानी कि लचीली होती है कह सकते हैं हम लोग। अगला है क्या दिया गया, धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं जो होती हैं वो इनकी सुचालक नहीं होती हैं, ऊष्मा की भी नहीं और विद्युत की भी नहीं। समझ गए आप लोग, समझ लीजिएगा एक एक चीज़ अच्छे से, जल्दी से कवर कर लेते हैं, ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। अगला, धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो क्या करते हैं, धातु अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, धातुओं की लवणों से, धातुओं की अम्लों से और क्षारों से क्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो धातु की जब क्रिया अम्ल से की जाती है तो क्या बनते हैं, लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और अधातुएँ जल व अम्लों से अभिक्रियाएँ नहीं करती, यानी कि अधातुएँ की क्रियाएँ जो होती हैं वो जल से और अम्लों से नहीं होती, सिर्फ धातुएं ही अम्लों से क्रियाएं करती हैं। अगला, कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। मेनली अम्लों का ही पूछा जाता है, अम्लों से क्रिया करके क्या बनता है, तो धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं तो उससे लवण बनते हैं पहली चीज़, दूसरी चीज़ हाइड्रोजन गैस निकलती है। और कुछ धातुएं जो होती हैं वो क्षारों से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला दोस्तों, दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है, यानी कि जब कोई चीज़ जलाई जाती है, दहन होता है, दहन क्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। और जो क्षारीय प्रकृति के होती हैं, अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये बताया गया है। अगला, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है, यानी कि अधातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, आग दहन होता है और ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तो ये अधातुओं के ऑक्साइड बनते हैं और ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जो अधातुएं होते हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातुएं कठोर चमकीली व ध्वनिक होती हैं, यानी ध्वनिक का मतलब हो गया इनसे ध्वनि निकलती है जब इसमें किसी प्रकार की चोट मारते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब के यहाँ सब धातुएं ही तो होती हैं। अब बात कर लें हम आयरन की, यानी कि लोहे की, तो लोहा कैसा होता है, देखिए कठोर होता है, चमकीला होता है, और लोहे में जब कोई भी चीज़ मारते हैं, पत्थर, ईंट, कोई भी चीज़ मारते हैं तो उसमें ध्वनि निकलती है, तो वही लिखा गया ध्वनिक होती हैं। अगला है, अधातुएं कैसी होती हैं, अधातुएं नरम होती हैं और जिन्हें आसानी से मारकर तोड़ा जा सकता है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल मुलायम होती हैं, नरम होती हैं और इन्हें तोड़ा जा सकता है, जैसे कोयला हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन, ये सब क्या, ये अधातुएं होती हैं। तो कोयला आपने देखा होगा क्या होता है, कोयले को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, चीज़ें आसानी से तोड़ी जा सकती हैं। अगला, सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी केवल ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये अपवाद है, अपवाद को अच्छे से समझ लीजिए। मरकरी क्या है, पारा को मरकरी कहा जाता है और ये एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपने देखा होगा थर्मामीटर में क्या भरा होता है, पारा ही तो भरा होता है दोस्तों। पारे का प्रयोग किस में किया जाता है, थर्मामीटर में बुखार चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जब पारा भरा होता है तो ये कैसा होता है, ये द्रव अवस्था में ही तो होता है, तो ये अपवाद है। एक दूसरी चीज़ का अपवाद आपने पढ़ी कि सोडियम और पोटेशियम धातुएं कैसी होती हैं, नर्म धातुएं होती हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, अच्छे से देख लीजिए एक बार फिर से। अगला, कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर हल्की हल्की हरी परत जम जाती है, जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की होती है।
ये इसके सूत्र भी दिए गए, सी ए ओ एच का होल ट्वाइस और सी ए सी ओ थ्री, सी ओ एच का होल ट्वाइस कापर हाइड्रोक्साइड और सी ए सी ओ थ्री कापर कार्बोनेट है। ये इन पर इनकी हरे कलर की परत चढ़ जाती कॉपर के बर्तन पर, जिन्हें जब इन्हें हम नम वायु में थोड़े ठंडे मौसम में हवा में छोड़ देते हैं। और ये क्यों संभव हुआ है? क्योंकि कॉपर का ये देखिए, कॉपर और इसकी जल और CO2 ऑक्सीजन से जब क्रिया कराई गई तो ये अलग अलग, एक कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये दो अलग अलग चीज़ें बन गई और इन्हीं की हरी परत चढ़ी होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाल लिटमस पेपर पर मैग्नीशियम के ऑक्साइड डालने पर नीला हो जाता है, जिससे पता चलता है कि प्रकृति कैसी होती है, इसकी क्षारीय प्रकृति होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड कैसी क्षारीय प्रकृति के होते हैं अभी हमने बताया था, तो जब लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो वो प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होती है। मैग्नीशियम के ऑक्साइड पर चेक करके बताया गया धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका सोडियम धातु, क्या होता है? सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में, इसे मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। आपने देखा सोडियम धातु जो होती है, इसे अगर हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इसमें आग ज्वलनशील होती है बहुत ही ज़्यादा, और इसमें आग लग जाती है तुरंत ही, इसलिए इसे ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है और इसे बंद बर्तन में मिट्टी के तेल में संचित करके रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा कि मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है, तो किसे रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है। बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु होती है, याद रखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर दोस्तों, इतना ही टॉपिक और बचा है, देख लीजिएगा आप लोग, फिर इसके बाद हम लोग अगली क्लास में चैप्टर 5 और 6 को कवर करेंगे। बस आप लोग एक एक चीज़ को साथ में समझते रहिए, अगर कोई भी डाउट हो तुरंत पूछेगा और सभी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये सभी नोट्स पसंद आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों को मेरी मेहनत, जो मैंने मेहनत की है और करवाई है, उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पदार्थ और विघटित किया जा सकता है तत्व कहलाता है, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रियाओं से पदार्थ विघटित नहीं किया जा सकता है, क्या नहीं विघटित नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। सल्फर कार्बन आयरन, ये क्या है, सभी तत्व होते हैं, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, आयरन हो गया, सभी तत्व होते हैं। अगला, तत्व के एक नमूने में से एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, यानी कि तत्व को अगर हम किसी भी तत्व का एक नमूना ले लें तो उसमें सिर्फ आपको एक ही प्रकार के परमाणु मिलेंगे। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है, परमाणु तत्व की कैसी, सबसे छोटी इकाई होती है, और तत्व का परमाणु भौतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है, यानी कि तत्व का जो परमाणु होता है उसमें जो फिजिकल चेंजेस होते हैं तत्व में, वो उससे प्रभावित नहीं होता है, उससे अप्रभावित रहता है। ठीक है, समझ गए आप लोग इतनी चीज। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर और बताना कि परमाणु की खोज किसने की थी, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक संख्या में देना है। अब आगे, प्राकृतिक रूप से तत्वों की संख्या कितनी है, 94 से अधिक नहीं है। प्राकृतिक रूप से अगर बात की जाए तो मैक्सिमम संख्या जो है तत्वों की वो 94 है, जिसमें से अधिकांश धातुएं हैं, 20 से कम अधातु हैं, कुछ उपधातुएं भी हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातुएं क्या होती हैं, इससे इसके बारे में मैंने अभी चर्चा नहीं की थी, तो जिसमें धातु के और अधातु के दोनों के गुण पाए जाएँ इनको उपधातु कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये। आज आपका धातुएं अधातुएं टॉपिक क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। और इसके पहले जो भी हमने संश्लेषित रेसे चैप्टर पढ़ाया था, आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो और मेरी मेहनत आपको अच्छे से समझ में आई हो, और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।